क्या है। शिशु के जन्म के फौरन बाद ही अनेक प्रकार के जीव उसको अपने इन्फेक्शन से प्रभावित करते हैं। उन सब से बचाने के लिए नवजात शिशु के शरीर में हमें ऐसे तत्व डालने पड़ते हैं जिससे वह स्वयं लड़ सके और जानलेवा बीमारी से बच सके। भारत में बहुत सी बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से मुफ्त में लगाया जा सकता है। BCG का टीका टीबी से बचाता है, पोलियो की खुराक पोलियो से बचाती है, हेपेटाइटिस बी का टीका भी बहुत आवश्यक होता है, DPT डिप्थेरिया काली खांसी और टेटनस तीनों से बचाता है, MMR भी तीन बीमारियों से बचाता है, मीजल्स मम्स और रुबेला, और टाइफॉइड का टीका भी बहुत आवश्यक होता है। DPT के टीके के बाद बच्चे को बुखार आता है और थोड़ी सूजन भी हो सकती है। बुखार की दवा तथा बर्फ से सूजन पर रगड़े तो ठीक हो जाता है। मुख्य रूप से टीके 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लगाए जाते हैं। टीकाकरण की समय तालिका, जन्म पर BCG और ओरल पोलियो की पहली खुराक दी जाती है। 6, 10 और 14 सप्ताह पर DPT और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। फिर 36वें सप्ताह पर मीजल्स का टीका लगाया जाता है। 15 महीने पर MMR का टीका लगाया जाता है। 18 महीने हो जाने पर DPT का पहला बूस्टर और पोलियो दिया जाता है। 2 साल के बच्चे को टाइफॉइड का टीका लगाया जाता है और 4.5 वर्ष के बच्चे को ओरल पोलियो पिलाया जाता है।